खबर हनुमानगढ़ के भादरा से है, जहां भादरा पुलिस ने जिला विशेष टीम नोहर के सहयोग से दो इनामी बदमाशों को धर दबोच लिया। भादरा थाना अधिकारी रणवीर साई ने बताया कि पकड़े गए बदमाश हरियाणा के हैं। दोनों से पुलिस ने 32 बोर के दो पिस्तौल और 3 कारतूस जब्त किए। कार्रवाई करने वाली टीम में निक्कू राम, विनोद कुमार, सुभाष चंद्र, रणवीर सिंह, पवन कुमार, सोमवीर शामिल हैं। वहीं प्रवीण कुमार, राजपाल, सुभाष, जोरा राम, विकास कुमार, भजन लाल और अमित कुमार का भी अच्छा सहयोग रहा। एक्सप्रेस वन न्यूज के लिए हनुमानगढ़ से राजरतन पारिक की रिपोर्ट। बदमाश है जो बाडे गांव में आने की सूचना प्राप्त हुई है, कोई अपराध करने की नीयत से। सूचना पे मैं और मेरे साथ में निकुराम और जाप्ते के साथ में हम सब लोग पहुंचे। भाडी गांव में गौशाला भीड़ के पास में जब पहुंचे तो दो उमर जवान के छोरे दो भागते दिखाई दिए, जिनका हमने पीछा करके एक लड़के को मैंने और दूसरे को निकुराम एसआई द्वारा काबू किया गया, जिसमें एक का नाम सतबीर उर्फ संजय और दूसरे का नाम राहुल उर्फ धोलू है। दोनों ही 302 के फरार अपराधी हैं, जिनके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। और एक मुलजिम है वो 4 प्रकरणों में अभी वांछित है और दूसरा मुलजिम है 3 प्रकरणों में वांछित चल रहा है और इस एक प्रकरण में इनके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है। इसने भादरा क्षेत्र में कोई अपराध किया है? इनको हमने हथियार समेत काबू किया है। दोनों से ही हमारे को 32 बोर के पिस्टल बरामद हुए हैं, एक से 32 बोर और साथ में 2 कारतूस, दूसरे से 32 बोर पिस्टल और 1 कारतूस बरामद हुआ है। दोनों के पास हथियार थे, अपराधी किस्म के लोग हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किसी अपराध को कारित नहीं करता।